Hello students of 7th class. Today we will discuss about chapter number 4 of science, that is heat. सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है हीट. हीट आपको इस बारे में क्या मालूम है? जैसे कि आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, वूलन क्लोथ जो हैं, जो एनिमल फाइबर से बने हुए होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं जो प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं. वुलन क्लॉथ्स को हम विंटर में पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स को हम समर में पहनते हैं. सर्दियों के दिनों में हमें घर के अंदर भी ठंड लगती है और जैसे ही हम सनलाइट में आते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है, और किस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हीट. हीट है क्या? हीट के बारे में हमें क्या मालूम है? तो जनरली जब हम बात करते हैं तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और अगर हम साइंटिफिक इसमें बात करेंगे तो हीट एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में जब ट्रांसफर होती है किसी एनर्जी की, तो यही हीट है. हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम मॉलिक्यूल्स एंड अदर देन. तो ये इसको हम कहते हैं हीट. सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम हॉट एंड कोल्ड के अंदर किस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, टेबल 4.1, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट. इस टेबल को देख के आप भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है हॉट है. यहाँ आपको एक टिक के द्वारा बताया गया है कि कौन से ऑब्जेक्ट हॉट हैं और कौन से ऑब्जेक्ट कोल्ड हैं. डे बाय डे डेली की लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉटर होते हैं, कई ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं जो दूसरों की बजाय बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं. तो कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? जनरली हम इसका पता टच करके भी लगा सकते हैं. इसके लिए हम एक एक्टिविटी जो यहाँ पे 4.1 आपको दी गई है उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटी को. तो यहाँ क्या लिया गया, देखिए तीन कंटेनर हैं और तीन कंटेनर्स को लेबल कर लिया ए बी एंड सी में. ए कंटेनर के अंदर तो कोल्ड वाटर है, बी कंटेनर के अंदर हॉट वाटर है और सी कंटेनर के अंदर नॉर्मल वाटर. अब हम अपना लेफ्ट हैंड ए कंटेनर में, राइट हैंड बी कंटेनर में थोड़ी देर के लिए रखते हैं और दो तीन मिनट के बाद दोनों हाथ जो हैं अपने सी कंटेनर के अंदर रखते हैं. तो क्या हमारे हाथों को सेम फीलिंग आती है? ये आप एक्टिविटी जो है घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना. आप लोग मुझे भी बताना कि आपको ये इससे आपने क्या कंक्लूज़न निकाला है. यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ टच करने से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो हॉट है या कोल्ड है. तो फिर हम किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है? तो इसके लिए अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट है हॉटनेस का या कोल्डनेस का, वो क्या है? टेम्परेचर. और जो टेम्परेचर है वो एक डिवाइस के द्वारा मेज़र किया जाता है जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर. शायद आप लोगों ने सभी ने देखा भी होगा, कभी ना कभी आप लोगों को फीवर आया होगा या किसी और को देखा होगा, डॉक्टर्स को आपने फीवर चेक करते हुए देखा होगा. और वो थर्मामीटर जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसे कहा जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर. और इस थर्मामीटर को आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, उसके किनारे पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है. इस बल्ब के अंदर एक मेटल भरी हुई होती है जिसको हम कहते हैं मरकरी. मरकरी के बारे में आप सभी ने सुना होगा. आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन. थर्मामीटर में टू स्केल्स होते हैं उसकी रीडिंग के लिए. जो इंडिया के अंदर अडेप्टेड किया जाता है रीडिंग के लिए स्केल को, वो है सेल्सियस स्केल, जिसको इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सी से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, बुक के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं. और जो दूसरा स्केल है उसको कहा जाता है फारेनहाइट स्केल, जिसको कि डिग्री एफ से इंडिकेट किया जाता है. क्लिनिकल थर्मामीटर्स की रीड जो टेम्परेचर की स्केल होती है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. अब हम इस थर्मामीटर को किस तरह से रीड कर सकते हैं उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है. यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4.2 दिखाई दे रही है, रीडिंग अ थर्मामीटर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर के अंदर अलग अलग तरह से आपको डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं. तो देखिए, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस
differences indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree, जो बड़े marks हैं उनको 1 degree, और जो छोटे marks के उसमें 5 divisions हैं उनको 1 small division can read 1/5 equal कितना 0.2 degree Celsius. थर्मामीटर को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ साफ करेंगे. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट्स अ फ्यू जर्क्स, मतलब इसको थोड़ा सा जर्क्स देंगे और जर्क्स क्या करेंगे, मर्करी लेवल को डाउन करने का काम करेंगे. और ये मर्करी लेवल जो है ये 35 degree Celsius तक होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए. अब प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, अब हम इसको अपनी टंग के नीचे रखेंगे और 1 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे. और आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, इसको हमेशा ही डिग्री सेल्सियस के साथ रीड किया जाना चाहिए. तो ये आप इसको रिकॉर्ड करेंगे. और जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 37 degree. थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले इसके कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियाँ भी रखने चाहिए. थर्मामीटर को हर बार धो के ही यूज़ करना चाहिए. सेकेंडली जो है, जो मर्करी लेवल है उसका 35 degree Celsius तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा अब नहीं होना चाहिए या उससे लो भी नहीं होना चाहिए. और रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट, उसको मर्करी लेवल के साथ ही पढ़ना चाहिए. थर्मामीटर को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि ये एक ग्लास का बना हुआ होता है जिसके कारण ये किसी भी हार्ड सरफेस से या हार्ड ऑब्जेक्ट से टच होते ही ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है. नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है 4.3, ये आप लोग अपने आप से कीजिएगा 4.3 एक्टिविटी. और ये जो टेम्परेचर है एवरी पर्सन, ये 37 degree से अबव नहीं होता. जिसको किसी को फीवर होता है उसी का टेम्परेचर जो है वो हाई या लो होता है.